वेलकम टू नांगलू पी के यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे वाटरफॉलिंग एनिमेशन इन पावर पॉइंट। ओपन कर चुके हैं न्यू शीट कंट्रोल प्लस एम से और सिलेक्ट की हमने शेप रेक्टेंगल और एक अनदर शेप रेक्टेंगल और बीच जेलो साइन से इसे थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे लाएंगे एनिमेशन स्पिन, तो उसे अनटिल कर देंगे लगातार जो घूमता रहे रेगुलर। उसके बाद हम अनदर शेप इंसर्ट करेंगे एक्सपोर्ट के लिए, इसे बीच में इसको नो फिल कर देंगे और इसकी लाइन को मोटाई देंगे। एक और स्पोर्ट रेक्टेंगल सेलेक्ट करके उसे लगाएंगे, एक और शेप को येलो साइन से ऐसे सेटिंग कर लेंगे, रोटेट करेंगे और इसे उल्टा कर देंगे। बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे और एक अनदर शेप रेक्टेंगल, इसे भी सेम बैकग्राउंड जैसा ही कलर अप्लाई करेंगे। पीछे वाले भाग को कर देंगे सिलेक्ट करके इन फ्रंट, ये ऊपर आना चाहिए रेक्टेंगल के, इसके पीछे कर देंगे अनदर रेक्टेंगल। इसे भी अप्लाई करेंगे स्पिन और इसे भी कर देंगे अनटिल। हम लेंगे अनदर शेप और एक और अनदर शेप और जेलो से इसे सेटिंग करेंगे, इसे सेट करेंगे हाफ में, तो इसे भी पानी जैसा कलर दे देंगे। आउटलाइन इसकी नो कर देंगे और एक और इसे डॉट लगा के भी बना सकते हैं और कुछ भी सिंबल छोटा सा पानी जैसा धार बनाने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस सी से पेस्ट कर देंगे। और सिलेक्ट और कंट्रोल प्रेस करके सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जी ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और उल्टा देंगे, सभी में अपने आप ऐसे आ जाएगा। और सभी को फूलों वाली लाइन को सिलेक्ट करके ग्रुप करेंगे और इसे कर देंगे सेंड टू बैक। और फूलों वाली लाइन और बैक साइड लाइन को दोनों को ग्रुप बना के हम कर देंगे सेंड टू बैक। उस जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया था हाफ, उसे कर देंगे हम, जो सर्कल हमने ड्रॉ किया इसे कर देंगे सेंड टू बैक, तो ऐसे दिखाई देगा। इसे भी स्पिन अप्लाई कर देंगे। अब हम करेंगे रेक्टेंगल में 3D। 3D से हम स्लोप और रोटेट करके स्लोप ऑप्शन लेंगे, इसे कितना रोटेट करना ये सेटिंग कर लेंगे और जहाँ पे अप्लाई करेंगे स्लोप 20 विथ और हाइट इसके 100, तो ऐसे दिखाईगा। इसी की मदद से बाई एक्स वाई जेड की मदद से इसे सीधा कर सकते हैं। और अब हम इसको करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स, तो बनाएंगे इसके पिक्चर्स, इसके बैकग्राउंड उड़ाएंगे और इसे हाफ करेंगे क्रॉप। हम पानी की धार को इसके सेंटर में लाने के लिए इसे क्रॉप किया हमने, ये सेटिंग कर देंगे। उसके बाद हम अनदर शेप ड्रॉ करेंगे, इसे भी कलर पानी जैसा अप्लाई करेंगे और इसे एनिमेशन लगाएंगे इम्फेसिस में। और एनिमेशन अप्लाई करने के बाद कलर इसे कर देंगे और इसे भी कर देंगे हम अनटिल।
ऐसे डॉट बनाएंगे और इसकी एक माला जैसा एक गोल आकार में से सेट कर लेंगे, ग्रुप बनाएंगे और इसे अभी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एनिमेशन अप्लाई कर देंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।